ठीक है, अच्छा है, मजा है। आइए दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पे। ठीक है ना। आइए दोस्तों, घर में रहना है, पढ़ाई करना है, और उसमें हम आपका साथ निभाएंगे। रेगुलर वीडियो आएगा मेरा, लाइव नहीं आ पा रहे हैं। इसका कारण है कि अभी हम गांव में आए हैं और गांव में इंटरनेट व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये बोर्ड जो देख रहे हैं, ये गांव में एक छोटा सा कोचिंग संस्थान है, उसी का बोर्ड है, और वहीं से हम ये शूट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, फिर भी हर रोज़ वीडियो आएगा, हर रोज़ यहीं से हम शूट करेंगे और वीडियो आपके बीच में आएगा। ठीक है ना। और आज हम समय और कार्य के अच्छे प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ठीक है, गमछा अच्छा लग रहा है। चलिए ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए। ठीक है ना, आते हैं मिस कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, समय और कार्य के, वो प्रश्न जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और इसको बनाने में बच्चों को काफी दिक्कत हुआ, वही सब प्रश्न लेकर हम आए हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए और बी 1.8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी दो लोग हैं और दोनों मिलके कंप्लीट वर्क को 1.8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दो लोग पूरे काम को 1.8 दिन में करते हैं। ए और बी दो लोग मिल जाते हैं तो पूरा काम 1.8 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है, हालांकि यदि ए अकेला काम करे तो आधा काम करता है और अवकाश लेता है, और फिर बी अकेला काम करे तो बाकी काम पूरा करता है और काम 3.75 दिन का समय लेता है। यदि बी ए से अधिक कुशल हो तो बी ने खुद को इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लिया है। ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो 1.8 दिन में पूरा काम हो जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे क्वांटिटी ऑफ वर्क। ये ए और बी का ही समय दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया, तो 1.8 के मल्टीपल में आने वाला कोई भी संख्या ले सकते हैं। 1.8 के मल्टीपल में आने वाला, 1.8 से कटने वाला, तो 9 ले लेते हैं, 18 × 5 = 90। तो मान लिया कि टोटल काम है 9। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1.8 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 9 का। ए और बी अगर दोनों मिलके कर रहे हैं बच्चों, तो 1.8 दिन में 9 काम हो रहा है, ये टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए और बी 1.8 दिन में 9 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। ठीक है, यानी ए और बी दोनों को एक साथ करवाया जाए तो एक दिन में 5 काम करेंगे। कौन? ए और बी। ए और बी एक दिन में 5 काम करेंगे, क्वेश्चन में लिखा गया है, ध्यान लगाएंगे क्वेश्चन में। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा, ए अकेले काम करता है और आधा भाग काम करता है। ए अकेले काम शुरू किया और आधा भाग काम किया, पूरा काम कितना है, 9, और आधा 9 का कितना होता है, 4.5। 4.5 काम किसने किया, ए ने। ठीक है, और अवकाश ले लेता है। फिर बी अकेले काम करता है, बाकी काम पूरा करता है, आधा काम ए करके चला जाता है छुट्टी पर, फिर बी करता है, तो 4.5 काम ए किया तो बचा 4.5 काम किसने किया, बी। 4.5 काम ए किया तो बचा 4.5 काम किसने किया, बी ने। फिर दोनों को मिल लग जाता है कुल मिला के 3.75 दिन। बाबू ये वर्क हो गया, वर्क बटा में ए का एफिशिएंसी ए का समय, ये वर्क हो गया बटा में बी का एफिशिएंसी बी का समय, दोनों को मिला के कुल कितना दिन लगा, 3.75 दिन लगा। फिर लिखा है कि बी ए से अधिक कुशल है तो बी इस काम को कितने समय में कर सकता है। इसके अलावा प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया है। लिखा गया कि बी ए से अधिक कुशल है तो बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को हल करके ए और बी का मान निकालना होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ए को एक्स मान लिए तो बी को मान लिए एक्स माइनस 5 − x। ठीक है, 5 − x ऐसे भी बना सकते हैं और यहाँ रखेंगे फिर हल करेंगे, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो एक इक्वेशन बनेगा जो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे बनाना उचित नहीं होगा। ठीक है, ध्यान लगाएंगे तो इसको जल्दी हम कैसे बनाएं, क्या करें कि जल्दी बने। तो बच्चों एक काम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों मिला के 5 होना चाहिए, और क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है कि बी इस काम को करने में ऐसे
लिखा गया है बी ए से अधिक कुशल है, बी का क्षमता ए से ज्यादा है, तो ए और बी दो ऐसा संख्या लो कि मिल के पांच हो जाए, और बी ए से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ए एक लिए तो बी कितना ले सकते हैं चार, फिर दो तीन मिल के पांच होता है, बी ए से ज्यादा होना चाहिए, तो ए दो लेंगे तो बी कितना होगा तीन, तीन दो भी होगा लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि बी ए से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ए दो तो बी कितना होगा तीन। हम देखेंगे क्या और कुछ हो सकता है इंटीजर में, तो और कुछ नहीं हो सकता है। हम जीरो चार होगा तो जीरो तो नहीं कर रहा होगा ना कुछ तो काम कर रहा होगा ना, जीरो पांच हो सकता है। ये दोनों रख के देखेंगे दोनों में किस में संतुष्ट करेंगे, अगर वन रखेंगे एक के जगह पे तो चार दशमलव पांच में वन से भाग देंगे तो खुद साढ़े चार हो जाएगा जो कि तीन दशमलव सात पांच से ज्यादा है, यानी कि वन रखने पर कभी तीन दशमलव सात पांच आएगा ही नहीं क्योंकि एक का ही मान रखने पर सिर्फ साढ़े चार हो जाता है, सिर्फ एक का ही मान रखेंगे तो साढ़े चार हो जाता है, यानी ये वन रखने से हमारा संतुष्ट नहीं हुआ। तो दो तीन रख के देखते हैं, साढ़े चार एक के जगह दो रखे प्लस साढ़े चार बी के जगह तीन रखे, देखो दो से ये कटेगा 2.25 बार में और ये तीन से कटेगा 1.5 बार में, दोनों को जोड़ो 2.25 1.5 जोड़ के देखो आ गया 3.75, यानी ये वाला संतुष्ट कर गया, ए का क्षमता दो बी का क्षमता तीन, ठीक है, यानी ए का क्षमता दो होगा बी का क्षमता तीन होगा, आ गया। अब जो पूछेगा निकल जाएगा, बी इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बी का समय निकालना है कि बी अगर करे तो कितना समय लेगा, टोटल काम कितना है 9, बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो बी कितना दिन लगेगा 3 दिन लेगा, ठीक है, अच्छा है, मजा है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों असाइनमेंट में, ठीक है समझ गया, इसी की तरह एक और प्रश्न बना देते हैं। असाइनमेंट में दूसरा क्वेश्चन है रथिन और ब्रेटिन, ठीक है, और तीसरा है मुग्धा और मयूरी। तो पहले तीसरा बनाते हैं क्योंकि इसी के जैसा तीसरा है, उसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है, रथिन और ब्रिटिन वाला भी, और उसके बाद बिल्डर विशंसक वाला क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद बताएंगे। तो पहले आइए हम बनाते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा बनाते हैं, उसके बाद दूसरा बनाएंगे तीसरा, क्योंकि इसी के जैसा है। ये असाइनमेंट है ना आप सबके पास, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से लोड कर लीजिए, अगर वहां से भी नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए, उसमें डाला गया। आइए दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे, आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। मुग्धा और मयूरी, मुग्धा और मयूरी, ठीक है, मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, आपको प्रश्न ये मिला भी होगा सेट आउट बनाते वक्त, मुग्धा और मयूरी, मुग्धा और मयूरी दो लड़कियां हैं, मुग्धा और मयूरी दोनों मिलके करती हैं तो पूरा काम कितने दिन में कर लेती हैं, 18 दिन में कर लेती हैं, ठीक है, हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य का उसी तरह का क्वेश्चन है, दोनों 18 दिन में कर लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ वर्क 18 के लघुत्तम में आने वाला कोई भी संख्या ले लेते हैं 90, ठीक है, यहां समय दिया गया है, इफिशियंसी निकाल लेंगे। मुग्धा और मयूरी 18 दिन में 90 काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी 5, ठीक है, मुग्धा और मयूरी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करती है 5। अब आगे देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लिखा गया है बच्चों हालांकि मयूरी अकेले काम करती है, कौन अकेले काम शुरू करती है, मयूरी, मयूरी अकेले काम शुरू करती है और कार्य का 2/5 भाग पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है, मयूरी अकेले काम शुरू करती है और कार्य का 2/5 भाग करने के बाद छोड़ देती है, कौन करती है 2/5 भाग, मयूरी, मयूरी जो है ना 2/5 भाग काम करके छोड़ देती है। लिखा गया है प्रश्न में बाबू ध्यान देना कि मयूरी काम शुरू करती है और कार्य के 2/5 भाग करने के बाद छोड़ देती है, कार्य कितना है बताओ 90 और करती है इसका 2/5 भाग, कौन, मयूरी, 18 × 36 यानी मयूरी कितना काम करती है 36, मयूरी 36 काम करके छोड़ देती है, यानी 36 काम किसने किया बाबू, मयूरी ने किया, मयूरी 36 काम मयूरी ने किया, तो बचल का किसने किया, मुग्धा ने, 90 में से 36 काम मयूरी ने किया तो बचा कितना काम, 90 में से 36 घटा दो, 90 में से 36 घटा दो, ठीक है कोई दिक्कत, 90 में से 36 घटाएंगे आप लोग तो बचेगा 54, 54 काम किसने किया, लिखा गया है
मुग्धा कार्य करना शुरू करती है, मयूरी छोड़कर चल गई, अब कौन कर रही है, मुग्धा करती है। तब काम दोनों को मिला के कितना दिन लगता है, 39 दिन। तब दोनों को मिला के 39 दिन लगता है। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को हल करना है। अब बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे, मुग्धा और मयूरी दोनों मिला के 5 होना चाहिए और वो मिला के 39 होना चाहिए, 105-6 भी मान सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है मयूरी ने मुग्धा के तुलना में तेजी से काम किया। मयूरी का क्षमता मुग्धा से ज्यादा है, किसका क्षमता ज्यादा है, मयूरी का मुग्धा से ज्यादा है। तो अगर हम मुग्धा को x मानेंगे तो मयूरी 5-x होगा, उस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो रखते हैं। लिखा गया है कि मयूरी का क्षमता मुग्धा से ज्यादा है, तो मुग्धा 1 तो मयूरी 4, 1-4 हो सकता है, और क्या हो सकता है बाबू, 2-3 हो सकता है। अब रख के देखेंगे, मयूरी यहां अगर 4 रखेंगे, देखो इधर मयूरी है ही ना कि उधर मयूरी रख देना, यहां देखना मयूरी यहां इधर मुग्धा है, तो मयूरी के जगह 4 रखेंगे, 36/4 + 54, मुग्धा के जगह 1 रखेंगे, तो क्या ये संतुष्ट करेगा, 4×9=36, 54 और 9 मिला के ठीक है 63 होगा, जो इक्वेशन को संतुष्ट नहीं किया, यानी 1×4 पे संतुष्ट नहीं किया, 2-3 रखते हैं 36, मयूरी के जगह रखेंगे क्या 3, मयूरी का क्षमता ये है, अब मुग्धा के जगह 2, 54/2, 3 से कटा ये 12 बार में, 2 से कटा 27 बार में, 27 12 मिला के 39, ठीक है हो गया 39, देखो संतुष्ट कर गया, यानी 2-3 पे संतुष्ट कर गया, दोनों का क्षमता आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि मुग्धा को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यानी अकेले इस काम को मुग्धा करे तो उसे कितना समय लगेगा, टोटल वर्क कितना है 90 है, करवाना अकेले किससे है, मुग्धा से है, मुग्धा का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से भाग दे देंगे, टोटल काम 90 है, कहा गया मुग्धा अकेले करेगी तो कितना दिन लगेगा, मुग्धा अकेले करेगी 45 दिन लगेगा, ठीक है, अच्छा है, मजा है, बढ़िया है, चले आगे। आइए दोस्तों मित्रों मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं, बच्चों मित्रों ठीक है, चलो आते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा भाऊ, एक क्वेश्चन है दूसरा जो छोड़े थे, रथीन और ब्रेटिन, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2018 का है, ठीक है, और जो पिछला क्वेश्चन बनाया वो येलो को पायलट का था, उससे पिछला वाला ग्रुप डी 2018 का था, इस बार ग्रुप डी का जो परीक्षा है उसका क्वेश्चन है, रैथिन और ब्रेटिन मिलकर, रैथिन और ब्रेटिन दो लोग हैं आर और पी, रैथिन और ब्रेटिन मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, रैथिन और ब्रेटिन दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितना दिन में होगा, 12 दिन में होगा, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, ये सब क्वेश्चन आपको पहले मिले होंगे और आपको हो सकता है बनाने में दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि ये अच्छे प्रश्न है, सभी बच्चों को दिक्कत हुआ है, ठीक है, तो आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, और इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए, रैथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले रैथिन कार्य छोड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगा, यदि ब्रेटिन अकेले कार्य करता तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगते, कहा दोनों मिलके करेंगे ना लगातार तो 12 दिन लगेगा, लेकिन हुआ क्या कि दोनों लगातार साथ रहे नहीं, 5 दिन पहले रैथिन छोड़ दिया, अब भैया छोड़ देगा तो समय ज्यादा लगेगा ना, 12 दिन के बजाय 15 दिन लगा, लगना था जो 12 दिन काम करने में कितना दिन लगा, 15 दिन लगा, यदि ब्रेटिन अकेला काम करता तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगता, अब ध्यान देना दोनों मिलके करेंगे तो 12 दिन लगेगा, लेकिन 5 दिन पहले रैथिन छोड़ दिया इसलिए 15 दिन लगा, यानी 5 दिन पहले रैथिनवा छोड़ दिया, रैथिनवा ब्रेटिनवा दोनों साथे करेगा तो 12 दिन लगेगा, लेकिन 5 दिन पहले रैथिनवा छोड़ दिया तो 15 दिन लगा, यानी 15 दिन में
5 दिन पहले छोड़ दिया रेथिनमा, यानी 10 दिन दोनों साथ साथ था। कितना दिन था? 10 दिन। देखो 15 दिन लगा, आ कहा 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 10 दिन दोनों साथ साथ था। कौन कौन? रेथिनमा और ब्रेटिनमा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालते हैं, 12 के मल्टीपल में आने वाला कोई भी संख्या ले लेते हैं, ले लेते हैं 60। ठीक है, 12 × 5 = 60। यहां टाइम दिया है बच्चों, इफिशियंसी निकाल लो। 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 5 काम। क्वेश्चन में देखो लिखा है कि दोनों ने शुरू किया, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, इसीलिए 15 दिन लगा। तो 15 दिन लगा जिसमें 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी 10 दिन साथ था ना, तो 10 दिन साथ था, एक दिन में 5 काम, तो 10 दिन साथे साथे किया, तो कितना कर लिया? 50। यानी 60 काम में से 50 काम हो गया था साथे साथे थे जब, यानी 10 काम अकेले किया था। कब? जब रेथिनमा छोड़ के चल गया। देखो कौन छोड़ के चल गया? रेथिन ने कार्य करना छोड़ दिया। ठीक है, तो बाबू 10 दिन साथे था, तो 5 दिन अकेले रहा कौन? ब्रेटिन। रेथिन तो भाग गया, कौन रहा? ब्रेटिन रहा। ब्रेटिन ने, ब्रेटिन रहा बाबू, तो ब्रेटिन का इफिशियंसी निकाल लेंगे। ब्रेटिन ने 10 काम अकेले किया, कितने दिन में? 5 दिन में, क्योंकि 10 दिन साथे था, 15 दिन टोटल लगा, तो 5 दिन अकेले रहा, यानी ब्रेटिन का इफिशियंसी कितना आ गया? 2। तो क्वेश्चन में कहा है यदि ब्रेटिन अकेला कार्य करता है, ब्रेटिन से अकेले काम करवाते, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाता? पूरा काम कितना है? 60। ब्रेटिन से अकेले करवाते तो ब्रेटिन के एफिशिएंसी 2। कितना दिन लगता? 30 दिन लगता। ठीक है, अच्छा है, चलो मजा है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। लिख लिया ना? ठीक है, लिख लीजिए, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। चलते हैं, ध्यान लगाते हैं बच्चों। इस विकट घड़ी में कोरोना वायरस की महामारी जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, आप घर में ही रहें और घर में ही रह के पढ़ाई करें। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, तो पढ़िए। ठीक है, अच्छा है, और हम आपका मदद करेंगे उसमें। ठीक है, पटना नहीं, नहीं तो हम लाइव पढ़ाते, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इंटरनेट व्यवस्था अच्छा नहीं है, वहाँ वाईफाई भी वगैरह सब है, तो यहाँ तो बस शूट करके डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, वीडियो लेकिन हो जाएगा उसमें, पटना रहते तो लाइव वीडियो भी आता। ठीक है, अच्छा है ना, जा भी नहीं सकते अभी, जाएंगे तो आप जा नहीं रहे, दिक्कत है। ठीक है, जान है तो जहान है, इसलिए घर में रहें और पढ़ाई करें। चलिए आइए बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है ना, आपके लिए हम गांव में पूरा सेटअप लगाए और यहां से आपका वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, गमछा गांव का पहचान है, गांव का नहीं, बिहार का पहचान है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर्स और विध्वंसक हैं। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर भी है और विध्वंसक भी है। बिल्डर्स यानी बनाने वाला, विध्वंसक यानी बिगाड़ने वाला। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई काम बना रहे होते हैं, दूसरा बिगाड़ के चला जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर्स भी है और विध्वंसक भी है, दोनों मिला के 32 हैं। उनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार को बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जबकि बाकी ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। कुछ बिल्डर जो है ना बनाने का काम कर रहा है और विध्वंसक जो है ना ध्वस्त करने का काम कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक बिल्डर 36 घंटे में बना सकते हैं। बिल्डर को हम बी मान लेते हैं, बिल्डर को बी मान लेते हैं, बिल्डर 36 घंटे में बना सकता है। ठीक है, जबकि विनाशक 30 घंटे में खत्म कर सकता है। विनाशक को हम डिस्ट्रॉयर मान सकते हैं, डिस्ट्रॉयर मतलब विनाशक। ठीक है, विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर, विनाशक उसे 30 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। अब बिल्डर जो है ना 36 घंटा बनाता है, डिस्ट्रॉयर 30 घंटा में खत्म कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है यदि सभी 32 सक्रिय रहते हैं और बिल्डर और विध्वंसक मिला के टोटल संख्या में 32 है, तो दीवार 2.5 घंटा में बन जाती है, इनमें कितने विध्वंसक हैं? ठीक है, अब बाबू क्वांटिटी ऑफ वर्क निकाल लेते हैं, यानी कार्य की मात्रा। 36 30 का लघुतम होगा 180,
मान ली 180 ईंट का दीवार है या 180 काम है, कुछ भी मान सकते हैं। तो काम हो गया 180, ठीक है 180 काम। अब यहां समय दिया गया है तो इफिशियंसी निकल जाएगा। बिल्डर 36 घंटा में 180 काम करता है तो एक घंटा में कितना काम करेगा, 5, यानी 5 काम बिल्डर बनाता है, ठीक है। बाबू 30 घंटे में ये ध्वस्त कर सकता है, ये 30 घंटा में पूरा 180 काम ध्वस्त कर सकता है, तो एक घंटा में कितना ध्वस्त करेगा, 6 काम को ये एक घंटा में खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, ध्वस्त कर देगा। क्वेश्चन में लिखा है कि सभी संख्या में 32 है, 32 जब सक्रिय रहते हैं तो 2.5 घंटा लगता है, ठीक है। तो इसमें से कितने विध्वंसक है, विध्वंसक की संख्या निकालना है, डिस्ट्रॉयर कितने हैं। तो मान लेते हैं डिस्ट्रॉयर संख्या में एक्स है, तो बिल्डर कितने हो जाएंगे, 32 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लोग हैं 32। तो विध्वंसक कितने हैं पूछा गया है, विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर, बर्बाद करने वाला, बिगाड़ने वाला। माना कि बिगाड़ने वाले जो है वो संख्या में एक्स है, तो बनाने वाले कितने हैं, 32 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक बिल्डर 5 काम करता है, बिल्डर कितने, 32 माइनस एक्स, तो ये एक बिल्डर एक घंटा में 5 काम, अब बिल्डर कितने, 32 माइनस एक्स, तो टोटल काम कितना होगा, इससे गुणा करेंगे, 5x, अब 5 × 10 के 0 160, इतना काम बना, बनना समझते हैं ना, बना। और एक डिस्ट्रॉयर 6 काम बिगाड़ देता है, तो एक्स डिस्ट्रॉयर है तो कितना काम बिगाड़ेगा, 6x, क्योंकि ये बिगड़ा है, तो ये क्या होगा, माइनस। जो काम बिगड़ रहा है तो उसको निगेटिव लेंगे, जो बन रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे। और टोटल बाबू ये सब लोग काम करते हैं ना, तो 2.5 घंटा लगता है, यानी 180 काम करने में 2.5 घंटा लगता है। ये कितना घंटा का काम आया, एक घंटा का, कब, जब सभी लोग सक्रिय रहे तब। तो 180 काम हुआ 2.5 घंटा में, तो एक घंटा में कितना, 2.5 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, ठीक है बच्चों। अब इससे भाग दे दिए, 0.10 आया, 25 से भाग देंगे, 25 × 7 = 175, 5 बचा, 5 × 50, 25 × 2 = 50, 160 माइनस 11x बराबर 72, ठीक है। तो 11x बराबर, वहां से हट जाइए, लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर बैठ जाइए, ठीक है, आइए इधर बैठिए, आइए, माइनस 11x बराबर 72 है, ये 160 है बाबू, तो 72 अपने जगह पे, उधर से चल गया 160, ठीक है। माइनस 11x बराबर माइनस 88, ठीक है ना, माइनस 11x बराबर माइनस 88, तो x का मान कितना है, 8, यानी x किसको माने थे, अब डिस्ट्रॉयर को, चूंकि डिस्ट्रॉयर ही निकालना था इसी को, इसीलिए हमने इसको x मान लिया। डिस्ट्रॉयर कितने हैं, विध्वंसक कितने हैं, 8, ठीक है, यही पूछा गया है, कितने विध्वंसक है, तो उत्तर आ चुका है हमारा 8, पूरी तरह से स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत, हाँ कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो, और शेयर भी करेंगे, ठीक है, हाँ कमेंट जरूर करेंगे, और शेयर करना है दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, ठीक है, चलिए, ठीक है ना, अपने गर्लफ्रेंड के बीच, बॉयफ्रेंड के बीच, चलिए प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, ठीक है। चलिए मित्रों, दोस्तों, भाइयों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा है ना, ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए, और अगले प्रश्न पे आइए। लिखा है पी एक काम को एक दिन में कर सकता है, पी एक काम को एक दिन में कर सकता है, पी नाम का एक आदमी है जो अकेले काम करेगा तो एक दिन लगेगा, पी एक काम को एक दिन में करता है, एक्स का मतलब होता है अननोन चीज, यही चीज निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा। उसने 1/6 भाग काम किया, पी कितना काम किया, 1/6 भाग काम किया, पी 1/6 भाग काम किया, पी 1/6 भाग किया, 1/6 भाग किया, फिर क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में किया, तो शेष काम कितना बचा बताओ, 1/6 भाग तो पी चल गया, तो शेष काम बचा 5/6 भाग। और क्वेश्चन में लिखा क्यू ने उसे 15 दिन में किया, यानी क्यू 5/6 भाग कितने दिन में किया, 15 दिन में किया, क्यू 5/6 भाग 15 दिन में किया, तो क्यू बताएंगे आप लोग, क्यू पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 15 × 6/5, 5 × 3 = 15, ठीक है, यानी क्यू पूरा भाग करेगा 18 दिन में। क्वेश्चन में लिखा
यदि वे एक साथ मिलकर 45 बटा 8 दिन में काम को करते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो 45 बटा 8 दिन में करते हैं, यानी P और Q दोनों मिल जाते हैं तो पूरा भाग काम लिखा गया है, वे एक साथ मिलकर 45 बटा 8 दिन में काम का आधा भाग करते हैं, P और Q आधा भाग काम, कितना काम, आधा भाग काम करते हैं 45 बटा 8 दिन में। तो P और Q पूरा भाग निकालना होगा हमें अगर, तो 45 बटा 8 में गुणा करेंगे हम 2 बटा 1 से, ठीक है, 2 चौके 8, यानी P और Q पूरा भाग करते हैं 45 बटा 4 दिन में। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि X का मान बताइए, X का मान यानी P पूरा भाग कितने दिन में करेगा, ठीक है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से ही बना देंगे। पी कब एक्स का मान निकालना है, यानी पी पूरा भाग कितने दिन में करेगा। अब आप देख रहे हैं ना कि पी 18 दिन में, पी और क्यू 45 बटा 4 दिन में, तो क्यू का एफिशिएंसी क्या होगा बताओ, 1 बटा 18। अब पी और क्यू का एफिशिएंसी क्या होगा, ये टाइम है ना, एफिशिएंसी होगा उल्टा, फ्रैक्शन मेथड बताया था ना, क्यू का एफिशिएंसी 1 बटा 18, पी और क्यू का 4 बटा 45। हमें पी का मान निकालना है, एक्स निकालना है, यानी पी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो P और Q में से Q को घटा देंगे, 4 बटा 45 में से 1 बटा 18 को घटा देंगे, लघुत्तम हुआ 90, 45 दुनी के 90, 4 दुनी के 8, 18 पचे 90, यानी 3 बटा 90 मतलब 1 बटा 30। क्यू पी का एफिशिएंसी आ गया बच्चों 1 बटा 30। हमें टाइम निकालना है, यानी X का मान निकालना है, यानी P पूरा भाग कितने दिन में करेगा, एफिशिएंसी 1 बटा 30, तो टाइम हो जाएगा 30, P पूरा काम करेगा 30 दिन में, ठीक है, अच्छा है, ये NTPC 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा है ना, मजा है ना, रखें यहीं तक दोस्तों, घर में रहें, अपना ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, बाहर नहीं निकले, बाय बाय, टेक केयर।